बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स की साइंस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 40। यूनिट नंबर 6 इज हेयर। टॉपिक पॉकेट कंपास। आज हम जो है पॉकेट कंपास के बारे में रीड आउट करेंगे, क्या होती है और इसका जो है इस्तेमाल क्या होता है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड पॉकेट कंपास। द ऑर्डिनरी और पॉकेट कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज डायरेक्शंस। आपको पता है जो कंपास होती है उसका इस्तेमाल किस कहाँ किया जाता है? डायरेक्शंस को देखने के लिए किया जाता है, यानी फाइंड आउट करने के लिए। आइदर द डायरेक्शन इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इट इज बेसिकली अ नीडल बेस्ड मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ सर्कुलर कार्डबोर्ड। अगर हम बात करें इसकी तो क्या होती है, नीडल बेस्ड एक मैग्नेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर वर्किंग द कार्डबोर्ड हैज द फोर डायरेक्शन मार्क ऑन इट्स एज द क्लॉक वाइज डायरेक्शन। सो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी इसी तरह है। यहाँ दूसरी अगर हम देखें तो इसके ऊपर आपको डायरेक्शन नजर आ सकती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये जो चार डायरेक्शन हैं इनको पॉइंट आउट करने के लिए जो है पॉकेट कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। आइदर द डायरेक्शन इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सो जो नीडल जो है वो उसकी इंडिकेशन करती है कि आया वो डायरेक्शन क्या है। द मैग्नेट ऑलवेज टेक्स अप अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नो मैटर व्हाट डायरेक्शन द कंपास इज हेल्ड इन द हैंड। टू रीड द कंपास द नॉर्थ मार्क ऑन द कार्डबोर्ड मस्ट बी इन लाइन विद द मैग्नेट, देन ओनली विद द कंपास गिव अ ट्रू इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, क्या होता है अगर हम इसकी वर्किंग की वैसे मैं अभी बात कर रही थी कि जो पॉकेट कंपास है इसको ऑर्डिनरी कंपास भी कह सकते हैं और इसका क्या काम है, डायरेक्शन को इसने डिटेक्ट करना होता है। फॉर बेसिकली ये नीडल बेस्ड मैग्नेट होता है जो कि एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के अंदर हम फिट करें तो उस तरह भी इसको देखा जा सकता है। एंड द मैग्नेट ऑलवेज टेक्स अप अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नो मैटर व्हाट द डायरेक्शन कंपास इज हेल्ड इन द हैंड। सो ये इसमें कोई इस चीज का मैटर नहीं होता। ओके, टू रीड द कंपास द नॉर्थ मार्क ऑफ द कार्डबोर्ड मस्ट बी इन लाइन विद द मैग्नेट, देन ओनली विल द कंपास गिव अ ट्रू इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। अगर हम उसको मार्क किया हुआ है, एक पॉइंट पर रखा हुआ है, तो फिर वो क्या होगा, एक बेटर डायरेक्शन दे सकेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक हमने रीड किया है पॉकेट कंपास के बारे में। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। एज यू नो वी आर डूइंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सो दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर। डिफाइन टेम्प्ररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, दो चीजें आपको बता रहे हैं। मैग्नेट आपको पता है दैट अट्रैक्ट्स द थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन, इट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल, कोबाल्ट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्प्ररी मैग्नेट्स। अ परमानेंट मैग्नेट इज वन दैट रिटेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा मैग्नेट जो अपनी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को काफी लंबे अरसे तक बरकरार रख सके। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, दीज आर ऑल बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। एंड इफ यू डिस्कस अबाउट टेम्पररी मैग्नेट देन आर दोज दैट सिंपली एक्ट लाइक परमानेंट मैग्नेट्स व्हेन दे आर विद इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ऐसी चीज अगर हम टेम्पररी की बात करते हैं ना, आज वो मुस्तकिलता ऐसा मैग्नेट जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं परमानेंट मैग्नेट की तरह ही काम कर सकता है, बट विद इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसको हमने किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है देन दैट वर्क लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, अदरवाइज दैट इज टेम्परेरी मैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आज का लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं कल विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।